यू आर ओनली मेन करेक्टर, यू आर ओनली मेन हीरो ऑफ योर ओन लाइफ, नॉट इन अदर्स। तुम सिर्फ मेन हीरो, मेन करेक्टर अपने खुद के ही हो और सिर्फ खुद की लाइफ में हो। तुम किसी दूसरे के लाइफ में मेन हीरो और मेन करेक्टर नहीं हो। इस बुलबुले से, इस डिल्यूजनल स्टेट से बाहर आ जाओ, इस डिल्यूजन से बाहर आ जाओ। तुम्हें दूसरों की जिंदगी में मेन हीरो और मेन करेक्टर बनना है। दूसरे तुम्हें मेन हीरो की तरह देखे, तुम्हें सुपर हीरो की तरह देखे, तुम्हें मेन करेक्टर की तरह देखे। अरे यार, देखेंगे तो देखेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। पर सबसे पहले तुम्हें खुद का मेन हीरो, खुद का मेन करेक्टर खुद ही बनना होगा। क्योंकि जब तक तुम खुद की नजरों में खुद के हीरो खुद नहीं बन जाते, खुद की लाइफ के मेन करेक्टर तुम खुद नहीं बन जाते, तब तक तुम्हें दूसरे क्यों ही मानेंगे मेन करेक्टर। दूसरे से तुम उम्मीद लगा के बैठे हो कि यार दूसरे तो मेरे लिए ये कर दें, वो कर दें, दूसरे तो मेरे को बहुत कुछ समझे, या फिर दूसरे तो मेरी वाहवाही करे, मेरे लिए तालियां बजाए बैठ के, मेरे लिए प्राउड हो। खुद के लिए तुम्हारी इज्जत, खुद की सेल्फ वैल्यू, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद के लिए खुद ने जिंदगी में क्या चीजें की है, खुद की उम्मीदें तुमने कितनी पूरी की है, खुद के गोल्स क्या पूरी की है, जीरो। खुद के लिए तुमने कुछ नहीं किया लाइफ में, पर तुम समझ रहे हो कि लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा के प्राउड करें क्योंकि वो तुम्हें मेन हीरो मानने चाहिए। और जब लोग तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें पूरी नहीं करते तो सैड होके कोने में बैठ जाते हो, रात के 2-2 बजे कानों में ईयरफोन डाल के सैड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि हमें ये चाहिए कि लोग हमारे लिए ऐसे ही तालियां बजाएं, जबकि हम खुद की इज्जत खुद ही नहीं करते हैं। हमें बस ये चाहिए कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे प्यार करें। अरे नहीं करेंगे भाई, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे वो पसंद? तुम खुद ही खुद को पसंद नहीं करते हो। लोग ऑलरेडी खुद की लाइफ में खुद बिजी हैं, उनके खुद के सपने, खुद की कई चीजें हैं, खुद की कई बातें हैं उनके दिमाग में। वो आज अगर तुम्हें पसंद भी कर लेंगे, कल किसी और को पसंद करेंगे। आज तुम उनके हीरो, कल कोई और बन जाएगा, कोई और मेन करेक्टर आ जाएगा। ये जिंदगी का तथ्य है, जीवन के फैक्ट्स होते हैं, ये है वो हार्ड रियलिटी जो आज नहीं तो कल तुम्हें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि दूसरे की जिंदगी में तुम कभी मेन करेक्टर नहीं बन सकते हो। क्योंकि दूसरे हमेशा मेन करेक्टर खुद को बनाना चाहेंगे अपने लाइफ में। खुद के मेन करेक्टर जिस दिन तुम खुद बन गए ना, तुम्हें कोई और चाहिए होगा। और अगर कोई और आएंगे भी तो वो इसलिए नहीं चाहिए होंगे कि वो मेरी वाहवाही करेंगे, वो इसलिए चाहिए होंगे क्योंकि वो लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट मेन करेक्टर मुझे दूसरों की लाइफ में नहीं बनना है, या फिर मुझे किसी और को नहीं बनाना है, मुझे खुद की लाइफ में खुद वो मेन हीरो बनना है। कि अगर मेरे को कभी मोटिवेशन की, या फिर कभी आइडल किसी को बनाना हो, या फिर कभी मेरे को किसी को देखना हो कि यार मेरे में आज थोड़ी सी कमी लग रही है, मेरे में थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम कम लग रही है, मेरे में काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम खुद को ही देखो कि यार नहीं नहीं यार, मैंने ऐसे ऐसे काम किए ना पहले, पास्ट में मैं ऐसे रहा हूं ना। खुद को देखो तुम अपनी मोटिवेशन के लिए, जाके देखो उन लोगों को जिनको तुम कुछ मानते हो, जिनसे तुम इंस्पिरेशन लेते हो, जिनसे तुम इंस्पायर होते हो, क्या वो ये सोचते हैं कि दूसरे उनको मेन हीरो माने या फिर मेन करेक्टर माने? उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद को खुद मानते हैं मेन करेक्टर, वो खुद को खुद मेन हीरो मानते हैं। वो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाते कि जब तक दूसरा मेरे को हीरो नहीं समझेगा, या जब तक दूसरा मेरे को मेन करेक्टर नहीं समझेगा, तब तक तो मैं कुछ हूं ही नहीं। अरे मत समझे दूसरे। अगर मैंने मेरी लाइफ में जो गोल्स हैं, मैंने मेरी लाइफ की जो उम्मीदें हैं, जो मैंने लाइफ में सोच रखा है, अगर वो मैं खुद के लिए खुद पूरा कर रहा हूं, तो मेरी नज़र में मेरे लिए मेरे से बड़ा कोई मेन हीरो है ही नहीं। मैं खुद का मेन हीरो हूं, मैं ही खुद का मेन करेक्टर हूं। जिस दिन मैंने खुद के लिए खुद वो चीजें करनी स्टार्ट कर दी जो मैं करना चाहता हूं, तो फिर बोले दूसरे मेरे बारे में कुछ भी सोचे नहीं सोचे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद को मानता हूँ मेन हीरो, मैं खुद को मानता हूँ मेन करेक्टर, तो फिर यही है सब कुछ। पर असलियत तो यही है भाई साहब, तुम खुद को नहीं मान सकोगे मेन करेक्टर, तुम खुद को मेन हीरो नहीं मान सकोगे, क्योंकि तुमने आज तक खुद के लिए कुछ किया ही नहीं है। बैक टू द पॉइंट, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, क्या किया तुमने आज तक खुद के लिए? तुमने गोल्स हर साल डिसाइड करते हो, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये वो ये वो, बस इस करते करते पूरा साल निकाल देते हो। सोचते हो कि अब मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा, मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, क्योंकि ये आदत बन रही है मेरी, ये अब मैं एडिक्ट हो रहा हूं इनसे, मैं इंस्टाग्राम और स्क्रॉल नहीं करूंगा, ये मैं एडिक्ट बन रहा हूं इससे। वापस वही चीजें स्टार्ट कर देते हो। तुम कहते हो कि मैं कल से अब पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, मैं कल से जो चीज मेरे को डरा रही है, जो कल से मेरे को जिस चीज से मैं भाग रहा हूं, अब उससे मैं भागूंगा नहीं। बट फिर से तुम वही करते हो, तुम अभी भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, तुम खुद की खुद गोल्स पूरे नहीं कर रहे हो, और तुम सोच रहे हो दुनिया तुम्हारे गोल्स और दुनिया तुम्हारी उम्मीदें पूरी करेगी। क्या मजाक है यार, जिस दिन खुद की उम्मीदें खुद पूरी करनी स्टार्ट कर दो ना, कि जो मैंने सोचा है वो मैं अब अपने लिए कर रहा हूँ, और ऐसे नहीं एक दो दिन कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली अपने लिए वो चीजें मैं अब कर रहा हूँ जो मेरे को करनी चाहिए। जिस दिन ऐसा हो जाए ना, उस दिन सोचना कि सच में कि तुम कुछ हो या कुछ नहीं हो, उस दिन सोचना कि फिर मैं अब लोगों से उम्मीद करूँ। जिस दिन तुम खुद की उम्मीदें खुद पूरी करनी स्टार्ट कर दोगे ना, तुम लोगों की तरफ देखना ही छोड़ दोगे। तुम लोगों की तरफ आज इसलिए देखते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे से तो कुछ होने जानी है नहीं, अपने गोल्स अपनी उम्मीदें तो मैं खुद तो पूरी करूंगा नहीं, इसलिए मैं खुद खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरे अंदर का वो खाली गड्ढा है, जो मेरे अंदर का जो खालीपन है, वो अब मैं ऐसे मान लेता हूँ सब कॉन्शियस माइंड में
कि मेरे से तो पूरा नहीं हो रहा, चलो क्या करता हूँ वो प्यार में दूसरों में ढूंढता, जबकि मेरे को वो प्यार किसी में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो उम्मीदें, वो चीजें, वो खालीपन जो मेरे अंदर है, वो सिर्फ एक ही जना है, एक ही आदमी है जो खत्म कर सकता है, वो मैं खुद हूँ। खुद हूँ जो खुद की उम्मीदें पूरी कर सकता है। मेरे को पता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। दुनिया जहान की लिस्ट जो कितनी भी है लंबी, वो कितने भी मतलब स्टैंडर्ड से वो बोली मैं कितने भी फिट कर लूँ, तब तक मेरी उम्मीदें, मेरे गोल्स, मेरे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं फुलफिल नहीं करूंगा, तो वो आईने के सामने जाके मैं खुद को नहीं देख पाऊंगा एकदम ऐसे कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई तू कुछ है। ऐसे देख के अंदर से वाइब नहीं आएगी कि हाँ मैं कुछ हूँ, कैसे आएगी? खुद की लाइफ में कैसे बन जाएंगे मेन हीरो? वो होते हैं 1%, जिन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो खुद को मेन हीरो खुद मानते हैं। दूसरों के लिए अच्छा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं करना है, ना उन्हें किसी और से कुछ चाहिए। जब तक तुम घंटा खुद को मेन हीरो नहीं मानते ना, भूल जाओगे कोई तुमसे प्यार करेगा, कोई तुम्हें पसंद करेगा, कोई तुम ये करेगा वो करेगा। लोग अगर तुम्हें पसंद भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, वो तुम्हें नहीं करेंगे, वो तुम्हारी किसी चीज को करेंगे। चीज है तुम्हारे पास, जैसे ही वो चीज चली जाएगी वैसे ही तुम वापस हो जाओगे अकेले और खाली। हमें तो बस बिना कुछ किए सब कुछ चाहिए, हमें वो मतलब बड़ी करने है काम अपने ऊपर। वो वाली फीलिंग नहीं पता है अभी तक लोगों को कि मेन हीरो वाली फील कैसे लाऊं मैं अपने अंदर, कि मैं हूं मेरी लाइफ का मेन हीरो। एक पेन पेपर लो, लिखो कि ये चीजें हैं जो मुझे बनाएगी, जो मैं बनना चाहता हूँ। आंखें बंद करो और सोचो कि अगर वो चीजें जो मैं चाहता हूँ, जो मैंने पेन पेपर के ऊपर है लिखी, आंखें बंद करके सोचो कि उस दिन मैं कैसा फील करूंगा। ये हैबिट रोज करो रात को, ताकि तुम्हारे दिमाग इमेजिनेशन और जो है रियलिटी उसके बीच में का फासला ही भूल जाए। तो ये फील हो कि ये तो एकदम है रियलिटी, तुम्हारे पास वो चीजें है ऑलरेडी, और उसके ऊपर काम करते रहो। पूरी उम्मीदें बहुत टाइम हो गया, खुद की उम्मीदें अब खुद फुलफिल करना स्टार्ट कर दो। बहाने छोड़ दो सब कुछ, दूसरों के पास जाके प्यार ढूंढना या करना वो करना, अब खुद की उम्मीदों पे, खुद के गोल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि है तुम्हें पता ही, तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट चीज ही तुम्हें बनाएगी, तुम्हें ऐसा फील करवाएगी कि मैं हूँ मेन हीरो मेरी लाइफ का, मैं हूँ मेन कैरेक्टर मेरी लाइफ का। तुम हो मेन हीरो, तुम हो मेन कैरेक्टर अपने खुद की लाइफ। अभी तक तुम्हें है नहीं पता, और मेरे से ये वादा करो इस वीडियो पे आओगे आज 6 महीने बाद में कमेंट करने की, देखो भाई उस दिन आपने कहा था कि अपनी उम्मीदें सबसे पहले खुद पूरी करनी स्टार्ट करो। मैंने वो जो उम्मीदें थी पहली बार मेरी लाइफ में दूसरों से उम्मीदें छोड़ के, जो मेरी उम्मीदें थी वो मैंने खुद से खुद पूरी करनी स्टार्ट की, और आज मैं खुद को मेन हीरो फील कर रहा हूँ। उस जर्नी में हूँ कि मैं खुद की उम्मीदें खुद पूरी कर रहा हूँ। आई होप यू गेट द मैसेज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।